जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए गोविंद वार्ष्णेय। मैं आज आपको कुछ जीएसटी से रिलेटेड कुछ नया बताऊंगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस से रिलेटेड। अक्सर देखने में आता है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं, अपने पैसे बचाने के चक्कर में नॉन क्वालिफाइड बंदों से अपनी जीएसटी कंप्लायंस कराते हैं। जीएसटी कंप्लायंस उल्टी सीधी वो लोग कर तो देते हैं, लेकिन क्या होता है, लॉ की कंप्लायंस कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्योंकि लॉ तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो मैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बेसिक कंप्लायंस बताऊंगा, जो कि जिसकी नॉन कंप्लायंस आज की तारीख में हो रही है। पहले क्या होता था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बैंक की डिटेल देनी होती थी। बाद में क्या हुआ, बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी और बोला कि आप बैंक की डिटेल हमको बाद में दे सकते हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बैंक की डिटेल देनी जरूरी नहीं है, आप बाद में दे सकते हैं जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी, बैंक में जाते थे अकाउंट खोलने तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते थे, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए जाते थे जीएसटी डिपार्टमेंट में, अप्लाई करते थे ऑनलाइन, तो वो आपको बैंक अकाउंट नंबर मांगते थे। अब दिक्कत आती थी क्या, कौन सी चीज़ पहले अप्लाई की जाए। इसी को रिजॉल्व किया गया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल बाद में दे सकते हैं। अब होता ये है कि जीएसटी नंबर क्लाइंट को मिल जाता है, क्लाइंट क्या करता है, या तो अपना अकाउंट खुलवाता नहीं है फर्म के नाम से करंट अकाउंट वगैरह, या खुलवाता है तो क्लाइंट कस्ट और अपने जो 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 भी बंदा कंप्लाइंस कर रहा होता है जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसको अपडेट नहीं करता। अगर तो होता क्या है, बेसिकली इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, जीएसटी डिपार्टमेंट जो जीएसटी का लॉ है वो ये कहता है कि टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा जिस डेट को आ जाएगा, आपको जिस डेट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है उस डेट से 45 दिन के अंदर, या पहली जो ड्यू डेट आपकी जीएसटी रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है, इन दोनों में से जो पहले होगा उसमें आपको ये फाइल करना है, यानी कि ये बैंक अकाउंट डिटेल आपको सबमिट करनी है। वो कैसे आप करेंगे, वो आप नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट करके बैंक अकाउंट डिटेल फाइल करनी होती है। ठीक है ना, ये किस में लिखा हुआ है, ये हमारा एक रूल है जो कि रूल 10A है ऑफ CGST है, बट इसमें एक प्रोविजन है जो कि रिलैक्सेशन जो दिया है वो हर केस में अप्लाई नहीं होता। जब आप TDS और TCS का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको मैंडेटरली रिटर्न जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो देनी होती है, बिकॉज देर इज अ स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ TDS ऑब्लिक TCS GST रजिस्ट्रेशन, इन दिस केस देर इज अ नो रिलैक्सेशन, दे आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन एज पर रूल 10A ऑफ CGST है। अब मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स अपडेट में करने में ढिलाई बरत देते हैं। अब इसका क्या हुआ, देखो एक तरह से देखोगे ये रूल 10A जो मैंने आपको बताया उसकी नॉन कंप्लायंस है। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से रिलेटेड प्रोविजंस कंसिक्वेंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद दिस रूल। अगर आप रूल 10A यानी कि आप अपनी बैंक की अकाउंट डिटेल इस जो मैंने टाइम लाइन बताई इस टाइम लाइन में आप फाइल नहीं करते या सबमिट नहीं करते बैंक को नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट के जरिए, तो क्या कंसिक्वेंस होने जा रहे हैं। रूल 21 जो कि बात करता है कि कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल कर दिया जाएगा सर्टेन केस में, उसमें आपका पॉइंट नंबर डी है वो कहता है कि वायोलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। यानी कि दोस्तों अगर आप रूल 10A की कंप्लायंस नहीं करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट को पावर दी गई है कि वह आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। ये कहाँ लिखा है दोस्तों, CGST का रूल नंबर 21 पॉइंट नंबर डी, इसके तहत आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है अगर आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन द टाइमलाइन नहीं सबमिट करते हैं। तो इसलिए सुनिश्चित करें अपनी बैंक की डिटेल जल्दी से जल्दी, जितने आप बैंक अकाउंट जैसे ही आपका जीएसटी नंबर आ जाए तुरंत आप बैंक के अकाउंट के लिए अप्लाई कीजिए, फर्म का अकाउंट आ जाए, और जैसे ही फर्म का अकाउंट आपका आ जाए बैंक का, तुरंत अपने कंसल्टेंट को इमीडिएट नॉन कोर फाइल अमेंडमेंट के जरिए अपनी बैंक की डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को अपडेट करने के लिए बोलिए। कब करना है ये आपको, जितना जल्दी हो सके। और टाइम लाइन क्या है इसकी, आपको 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जो इन दोनों से जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके इसको फाइल कीजिए। नॉन कंप्लायंस आपको भारी पड़ सकती है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मैं थैंक यू दोस्तों, मैं सीए गोविंद वार्ष्णेय, पार्टनर गोयल वार्ष्णेय एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू।